देखा जाए तो मिथिलांचल का अध्यात्म है, दर्शन है मिथिला पेंटिंग्स, और यही धड़कता है मिथिला वासियों का दिल। ये मिथिला की धरती है, हजारों साल पुरानी यहाँ की कलाएं हैं। यहाँ की हर एक दीवार कथानक की तरह कला का बारीक वर्णन करती है। यहाँ कलाएं संवरती हैं, कूचीबद्ध होकर प्रकृति पतझड़ और सूखे पत्ते को भी सुंदर, आकर्षक और लोक लुभावन बना देती है। मानो एक कलाकार पेंटिंग में पत्र लिखता हो और पत्रों में पेंटिंग रच रहा हो। यहाँ के पक्षी काव्यरस में मधुरता के गीत गाते हैं, यहाँ की बोली मधुरता का रसपान कराते हैं। यहाँ लोक संस्कृति, लोक कला जिंदा है। कलाकारों की कूची में, जीवन की गहराई में, मान्यताओं में और जीवन के हर रस में। मिथिला पेंटिंग इस क्षेत्र की सबसे विलक्षण प्रतिभाशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसका इतिहास सहस्राब्दी पुराना है। लगभग 2-3 हजार वर्ष से तो जरूर इसका इतिहास मिल जाता है कि मिथिला पेंटिंग यहाँ की औरतें बनाती थीं, और ये माँ से बेटी या सास से पुतोह के माध्यम होते होते आज यहाँ तक पहुँची है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, प्रतिष्ठा मिली है, और ये भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक देन विश्व को माना जा रहा है। चित्रकला यहाँ की धमनियों में दौड़ती है। महिलाएं पेंटिंग के विविध रूपों को लोक संस्कृति के जरिए उजागर करती हैं। यहाँ दो तरह की पेंटिंग होती है, एक कागज पर और दूसरी दीवारों पर। दीवार पेंटिंग को भित्ति चित्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं को इस पेंटिंग के माध्यम से बखूबी उकेरा गया है। मिथिला पेंटिंग जो है वो इतिहास चला आ रहा है रामायण काल से, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो मिथिला पेंटिंग करने वाली महिलाएं हैं वो सीता पर केंद्रित या राम के विवाह पर केंद्रित प्रतिमाओं को उन्होंने अपने चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सीता की पालकी और पालकी को ढोते कहार सरीखे पेंटिंग घर घर में दिखते हैं। ये भूमि सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। सीता को यहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीता राम के संपूर्ण जीवन को यहाँ की महिलाएं पेंटिंग में उकेरती हैं। बहुत सारे राम सीता विवाह के दृश्य भी